हम रोज मैथमेटिक्स सीखते जाते हैं, लेकिन हमें इसे आजमाना चाहिए कि जो हम सीख रहे हैं वो कहीं भूलते भी तो नहीं जा रहे हैं, है ना। इसलिए बीच बीच में उसका टेस्ट होना चाहिए कि जो आपने सीखा उसको या तो आप रिवाइज कीजिए कि मतलब हमें अब तक याद है कि नहीं याद है कि नहीं। तो लीजिए, मैं कुछ आज सवाल दे रहा हूँ, इसको करिए, देखिए 2 मिनट के अंदर आप कर लेंगे। देख, हमें लिखने में ज्यादा वक्त लगेगा, आपको करने में कम वक्त लगेगा, लेकिन करिए तो देखें आपको याद भी है थोड़ा सा। बहुत छोटा छोटे छोटी चीजें हैं जो बेसिक हैं, याद है कि नहीं। देखिए, इसमें केवल आपको नंबर लिखना है, आप अपनी कॉपी पर जो मैं लिख रहा हूँ उसे लिखिए, और उसके बाद आंसर जो जगह छोड़ रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक से खाली जगह भर दीजिए। जैसे 176 इंटू, यहाँ पर खाली जगह है, और फिर बराबर है 176। एक सवाल ये हो गया, इसको करिए। फिर दूसरा सवाल है, यहाँ पहले से ही खाली जगह है, इसको इंटू किया गया है 1 से, और इज इक्वल में आया है 250, आपको यहाँ फिल करना है। थर्ड क्वेश्चन है, जैसे 3156, और इसको इंटू करना है, ये आपको बताना है किस नंबर से इंटू करें कि रिजल्ट जो हो 0 आ जाए। फिर देखिए, यहाँ पर 4 नंबर, यहाँ 3 1 6 इंटू, फिर फिल इन द ब्लैंक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और इसका भी रिजल्ट आपको 0 देना है। फिर 5 नंबर पर यहाँ 1 लिखा हुआ है, और इसको इंटू किया गया है, किस नंबर से ये पता नहीं है, ये आपको बताना है, और रिजल्ट आना चाहिए 907, है ना। इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन आप करें। देखिए, छोटे क्लास का है, थर्ड फोर्थ में कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो देखिए क्या वो कर ले रहा है, जान जाता है क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से ये 5 सवाल आप करें, कॉपी पर लिखें, और फिर समझें कि यहाँ पर 1 जैसे लिखा हुआ है, 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट ये आ जाए, इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, यहाँ 1 किस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। इस तरीके से मल्टीप्लाई है, हल्का सा करके देखें, और छोटे छोटे बच्चों को, अगर घर में कोई भी है छोटा बच्चा, उससे भी ये बात करने के लिए कहें, देखें वो जान जाता है कि नहीं, है ना। कितना अच्छा लगेगा अगर करेगा तो, है ना। धन्यवाद।